आज निफ्टी 400 पॉइंट ऊपर गया है। निफ्टी चाहे ऊपर जाए, निफ्टी चाहे नीचे जाए, कौन से स्टॉक ऊपर जाने वाले हैं, कौन से स्टॉक नीचे जाने वाले हैं, एक दिन पहले ही आप पता कर सकते हो। अगर विश्वास नहीं आता इस वेबसाइट पे आके देख लो, यहां पे देखिए जितने स्टॉक्स आपको दिख रहे हैं अभी वो सारे स्टॉक्स अपसाइड भागे हैं, और इस वेबसाइट पे जितने स्टॉक्स आपको दिख रहे हैं वो सारे स्टॉक्स नीचे गिर चुके हैं। यहां पे देखिए आपको लाइव एग्जांपल दिखाता हूं, टोरेंट फार्मा, सन फार्मा, छोला फिनसर्व, एसबीआई लाइफ, विश्वास नहीं आता आपको लाइव दिखाता हूं। यहां पे देखिए टोरेंट फार्मा का स्टॉक है, आप देख सकते हो आज के दिन यहां पे कितना अच्छा मोमेंटम यहां पे आया है। उसके बाद देखिए सन फार्मा का स्टॉक है, तो सन फार्मा में आप देख सकते हो यहां पे किस तरीके से मोमेंटम आया है। उसके बाद देखिए यहां पे छोला फिनसर्व है, तो छोला फिनसर्व देखिए किस तरीके से ऊपर भागा है। उसके बाद एसबीआई लाइफ का स्टॉक है, यहां पे देखिए एसबीआई लाइफ में भी अच्छी मोमेंटम आपको देखने मिली है। फिर देखिए सन टीवी का स्टॉक है, देखिए सन टीवी में भी यहां पे अच्छी मोमेंटम मिली है, जितने दिखाऊंगा उतने कम है। फिर नीचे गिरने वाले स्टॉक की बात करते हैं, यहां पे देखिए एमसीएक्स का स्टॉक है, देखिए एमसीएक्स के स्टॉक को अगर आप देखोगे तो यहां पे देखिए गिरावट देखने मिली है। उसके बाद देखिए आपको नवीन फ्लोरिन करके है, तो नवीन फ्लोरिन में अगर आप देखोगे इसमें भी आपको डाउनसाइड की मोमेंटम देखने मिली है। उसके बाद देखिए यहां पे आपको आईओसी क्रॉम्पटन दिखेगा, तो देखिए क्रॉम्पटन में अगर आप देखोगे तो इसमें भी गिरावट देखने मिली है। आईओसी में अगर आप देखोगे इसमें भी आपको गिरावट देखने मिली है। दीपक नाइट्रेट का स्टॉक यहां पे दिख रहा है, दीपक नाइट्रेट में अगर आप देखोगे तो इसमें भी गिरावट देखने मिली है। दोस्तों कौन सी है ये सीक्रेट वेबसाइट जिसपे ये सारे स्टॉक्स एक दिन पहले आपको पता चल जाते हैं, एंट्री कैसे बनानी है, सारी चीजें आज के वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों पूरे YouTube पे अगर आप कितना भी ढूंढोगे इस वेबसाइट के बारे में या इस स्टॉक के बारे में आपको कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि इतनी सीक्रेट स्ट्रेटेजी है जो आज इस वीडियो में मैं आपको शेयर करने वाला हूं। एंट्री कैसे लेनी है, एग्जिट कैसे करना है, सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा। दोस्तों अगर आप इस स्ट्रेटेजी को लाइव करना चाहते हो हमारे साथ, तो आपको कॉमेंट्स में लाइव ट्रेड लिखना है। जितने ज्यादा लोग लाइव ट्रेड लिखेंगे कॉमेंट्स में उतना ही स्ट्रेटेजी के ऊपर मैं लाइव ट्रेड लाने की कोशिश करूंगा, और मैं टारगेट देता हूं आपको इस वीडियो के लिए 2000 लाइक्स का। अगर आप 2000 लाइक्स इस वीडियो को करते हो, मैं खुद इस स्ट्रेटजी के ऊपर लाइव ट्रेड करके आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि आपको यकीन आ जाए कि किस तरीके से ये स्ट्रेटजी आपको रिजल्ट देती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड स्विंग्स, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आपका आज का दिन प्रॉफिटेबल रहा होगा। स्टॉप लॉस हंटिंग के अकॉर्डिंग जो ट्रेड हम लोग ने आज बनाई उसके बारे में मैंने ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे देखिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसकी ऑफिशियल जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी इस वीडियो के। यहाँ पे देखिए सुबह सुबह बैंक निफ्टी, निफ्टी दोनों के एसएल हंटिंग के लेवल्स मैं आपको शेयर करता हूँ कि कहाँ पे मार्केट जा सकता है। उसके बाद मेरा एनालिसिस का वीडियो होता है, आप इसको जरा देख लो कि मैंने इसमें क्या बोला था। एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग आज किस तरीके से काम कर सकते हैं, बैंक निफ्टी का चार्ट अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे बाइंग दिखाई देगी, तो यहाँ पे बायर्स तो आए होंगे लेकिन जो ऊपर से सेलिंग करके बैठे वो बहुत अच्छे प्रॉफिट में बैठे। बहुत बड़ा गैप डाउन था कल और यहाँ पे भी कुछ लोगों ने सेलिंग किया होगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी सेलर्स होल्ड करके बैठे होंगे। अगर हमें ऐसे केस में एक बड़ा गैप अप मिल जाता है तो हम लोग यहाँ पे सेलिंग साइड का प्लान रखेंगे, लेकिन थोड़ा मोमेंटम देख के ट्रेड करना पड़ेगा। हो सकता है एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल यहाँ पे बना दे फिर यहाँ पे सेलिंग में जाए, तो हमें सेलिंग साइड का प्लान एक बड़े गैप डाउन में रख गया। देखिए मैंने क्लियरली आपको बताया था कि सेलिंग साइड का प्लान हम लोग रखेंगे, अगर बड़ा गैप डाउन मिलता है या अगर हमें गैप डाउन मिलता है, गैप अप मिलता है तो सेलिंग साइड का प्लान हमारा होने वाला है। अभी आज के मार्केट में क्या हुआ अगर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, यहाँ पे देखिए क्लियरली आप देख सकते हो मार्केट में गैप डाउन तो बड़ा मिला लेकिन जो मोमेंटम यहाँ पे हुई वो काफ़ी अपसाइड की मोमेंटम। ये देखिए यहाँ से जो कैंडल शुरू हो गई यहाँ तक मार्केट आ गया, और इस रेड कैंडल पे जब ये रिट्रेस करके नीचे जाते यहाँ पे मैंने पुट साइड की ट्रेड को बना लिया, लेकिन मार्केट ने हमें रॉन्ग प्रूव करके अपसाइड गया। लेकिन कोई डरने की बात नहीं, यहाँ पर हम लोग समझदारी से काम लेंगे। जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर देखिए हमारा लॉस कंट्रोल में था, उसके बाद हमें यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट देखने मिली। अब इस बाइंग के अगेंस्ट हम लोग नहीं जा सकते, इसीलिए यहाँ पर जब ये फिबोनाची के एरिया में आ गया एक अच्छी ग्रीन कैंडल देख के कॉल साइड की ट्रेड को बनाया और पुट साइड का जो लॉस था उसको कंट्रोल किया गया। मैं आपको दिखाना चाहूंगा हमारी आज की जो ट्रेड थी, यहां पे देखिए मैंने पोजीशन को स्विच किया, जो हमारे पुट साइड की ट्रेड में से हम लोग ने छोटे से लॉस से एग्जिट ले लिया और जो कॉल साइड में ट्रेड बनाई उसमें हम लोग ने टारगेट को अचीव किया। तो इस तरीके से आज की ट्रेड थी, लॉजिक बहुत ही सिंपल था। दोस्तों मैं आपको बताता हूं, देखिए यहां पे अगर आप देखोगे तो बायर बैठे हैं, यहां पे बायर बैठे होंगे और यहां पे सेलर बैठे होंगे। जैसे ही मार्केट गैप डाउन ओपन होने वाला था तो ये सेलर अच्छे प्रॉफिट में आया होगा, ये बायर यहां पे, ये बायर तो निकल गया
गया होगा, इस बायर को कहीं ना कहीं होल्ड कर रहा होगा। अब जैसे ही मार्केट ने पहले इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बना दी, अब ग्रीन कैंडल में क्या हो जाता है कि ये सेलर यहाँ पे डरने लगेगा, ये जो बायर बैठा है ये कहीं ना कहीं वापस से प्रॉफिट में आ गया होगा, तो ये वेट करेगा। यहाँ पे तो पोजीशन निकाल के लोग बैठे हैं। अब मार्केट ने क्या कि इतनी बड़ी मोमेंटम यहाँ पे कर दी है, तो डेफिनेटली क्लोजिंग प्राइस जो है, ये क्लोजिंग प्राइस होती है, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करती है। इसके नीचे से ही मार्केट ने रेजिस्टेंस ले लिया, इसके नीचे से ही मार्केट ने रेजिस्टेंस ले लिया, और यही चीज़ हमारे लिए इनफ थी समझने के लिए कि मार्केट अब ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ से सभी लोग सेल करेंगे। तो क्या मार्केट गिर पाएगा? नहीं गिर पाएगा। सब लोग सेल करेंगे, उनके SL ऊपर मिल जाएंगे, तो फिर मार्केट क्यों गिरेगा? अगर नीचे जाना था तो इसको ब्रेक करना चाहिए था। तो आप देखिए, हम लोग का जो टारगेट था वो यहाँ पे फाइनली अचीव हो गया, जब इसने ब्रेक किया हम लोग ने टारगेट को बुकिंग कर लिया। तो देखिए, इस तरीके से SL एंटिंग को अगर आपको सीखना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, क्योंकि एवरी डे मैं जो एनालिसिस देता हूँ उससे ही आप इसे सीख सकते हो। दूसरी चीज आपको क्या करनी है, आपको जाना है ट्रेड स्विंग्स यूट्यूब चैनल के ऊपर, यहां पे आपको ज्वाइन बटन दिखेगा, देखिए यहां पे ज्वाइन बटन आपको मिल जाएगा, इस ज्वाइन बटन को आपको दबाना है। उसके बाद नीचे आना है मेंबर ओनली वीडियोस के सेक्शन में, यहां पे पूरा का पूरा SL एंटिंग का कोर्स आपको मिल जाएगा। देखिए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी विदाउट टाइम को वेस्ट किए। अगर आपको SL एंटिंग को सीखना है, ज्वाइन बटन को अभी के अभी दबाइए और प्रीमियम कंटेंट को एंजॉय कीजिए। चलिए आज विदाउट टाइम वेस्ट किए जाते हैं, आज की जो स्ट्रैटेजी है किस तरीके से करनी है। देखिए दोस्तों, आज की स्ट्रैटेजी बहुत ही ज़बरदस्त है, मैं वाकई में आपको बोलता हूँ बहुत ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी है। मतलब कुछ लोगों को यकीन होगा नहीं होगा, मुझे यहाँ पे डेफिनेटली कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो चीज़ मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ ना दोस्तों, ये चीज़ पूरे यूट्यूब पर आपको शायद ही कोई शेयर करेगा, मैं यकीन से आपको कहता हूँ। और ये बहुत ही डेटा जो मैं बता रहा हूँ ना, डेटा है। देखिए किस स्टॉक के पीछे क्या मोमेंटम होती है, किस स्टॉक में बाइंग होती है, सेलिंग होती है, ये कैसे आपको पता चलेगा? अगर आपको ये पता चल गया कि किसी स्टॉक में अच्छी बाइंग खरीदारी कर रहे हैं लोग, तो आप डेफिनेटली उसमें आप भी बाय करोगे। अगर आपको ये पता चल जाए कि बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग सेलिंग कर रहे हैं किसी स्टॉक को, तो उसमें आप कैसे बाइंग कर सकते हो? आपको भी उसमें सेलिंग करोगे तो ही प्रॉफिट बनेगा। इसीलिए देखिए मैं आपको बता, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आपने एक दिन पहले देख लिया कि टोरेंट फार्मा का स्टॉक है, एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि टोरेंट फार्मा का जो स्टॉक है उसमें बहुत अच्छी बाइंग मार्केट में हो रही है, बहुत अच्छे बायर यहाँ पे बैठे हैं, तो क्या आप भी उसमें सेलिंग करोगे? आप उसमें सेलिंग नहीं करोगे, क्योंकि अगर आपने ये छोटे मोटे रेड कैंडल देख के सेलिंग कर दी, मार्केट यहाँ पे ऊपर जाके आपके SL को हिट कर लेगा। आपको इसमें बाइंग करके रखना है, क्योंकि इसमें पीछे के साइड जो बड़ा प्लेयर है, जो बड़े लोग हैं, वो इसमें बाइंग कर रहे हैं, और वही डेटा आपको इस वेबसाइट पर दिखता है। और वो एक दिन में नहीं होता दोस्तों, आप देखो यहाँ पे भी ऊपर गया, यहाँ पे भी ऊपर गया, यहाँ पे भी ऊपर गया, आप देख सकते हो पीछे के दिन अपसाइड की मोमेंटम ही आपको इसमें देखने मिलेगी, कि इसमें लगातार बाइंग होती जा रही है। तो देखिए स्टॉक की कौन सी वेबसाइट है, किस तरीके से एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपका ऐसे लेट हो जाएगा। एंट्री कैसे लेनी है, स्टॉक की वेबसाइट कौन सी देखनी है, नीचे जाने वाले कब करने हैं, ऊपर जाने वाला कब करना है, सारी चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहले उस बड़े सरप्राइज को देख लो जिसके लिए आप इस वीडियो पे आए हो, तो सबसे पहले इस सरप्राइज को देख लो, उसके बाद हम लोग जाते हैं आज की स्ट्रेटेजी की तरफ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शेखर थोरात है, ट्रेड स्विंग्स में आपका स्वागत है। आप सभी को इंतजार होगा उस बड़ी अनाउंसमेंट का जिसके बारे में हम लोग पिछले कुछ दिनों से बात कर रहे हैं। दोस्तों मैं डायरेक्टली पॉइंट पे आऊंगा, काफी सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर हम लोग जॉब कर रहे हैं, ट्रेडिंग को पार्ट टाइम दे रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे ट्रेडिंग में फुल टाइम भी दे रहे हैं, उन्हें सीखना था प्राइस एक्शन, बोल रहे थे ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर सर कोई डिटेल कोर्स बनाओ या प्राइस एक्शन की कोई डिटेल कोर्स होगी तो उसकी लिंक शेयर करो। तो मैं आप सबके इन पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए एक ऐसा कॉम्बो कोर्स आपके लिए लेके आया हूं। इस कॉम्बो कोर्स में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पूरे पांच कोर्सेस मैंने इंक्लूड किए हैं। पांच कोर्सेस पूरे स्टॉक मार्केट का नॉलेज, मतलब मानिए पहला कोर्स कौन सा होगा, ऑप्शन ट्रेडिंग का पहला कोर्स होगा। इसमें दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग से लेके सभी इंफॉर्मेशन यहां पे बताई गई है, जैसे कि कॉल और पुट को कब खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए, आप बैंक निफ्टी निफ्टी में कैसे ट्रेड कर सकते हो, स्टॉक के ऑप्शन को कैसे ट्रेड कर सकते हो, सभी चीजों को, ऑप्शन ट्रेडिंग का सभी नॉलेज इस ऑप्शन ट्रेडिंग के कोर्स में दिया है, और ये कोर्स इस 5-in-1 कॉम्बो में दिया गया है। सेकेंड जो कोर्स है वो है यहाँ पे प्राइस एक्शन कोर्स। दोस्तों स्टॉक मार्केट अगर चलता है, कैंडल्स ऊपर नीचे करती है, तो प्राइस एक्शन के बेसिस पे करती है, ये तो सबको पता ही होगा। तो प्राइस एक्शन का जो कोर्स है वो सबसे प्राइम है, एक नंबर पे वो कोर्स है, तो वो कोर्स हम लोग आपको सिखा रहे हैं इस कॉम्बो में, सेकंड नंबर पे है प्राइस एक्शन कोर्स। और तीसरा कोर्स है इंट्राडे का कोर्स। इंट्राडे दोस्तों आपको पता ही होगा, अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हो, बिगिनर हो, तो भी आपको पता होगा आज खरीदो आज ही बेचो, इंट्राडे का जो कोर्स है उसमें आपको ये सब कुछ सिखाया जाएगा स्टॉक में कैसे ट्रेड करना है। वो भी दोस्तों चौथे नंबर पे आपको दे रहे हैं VWAP की एक इंट्राडे स्ट्रेटजी।
अब बताइए दोस्तों, काफी सारे लोग बोलते हैं सर आपने सिखाया लेकिन स्ट्रैटेजी कोई बताएंगे, तो स्ट्रैटेजी आपको इसमें इंक्लूड कर रहा हूं, वीवैप की स्ट्रैटेजी, जिसमें आपको बताया जाएगा कैसे आपको बाय करना है आज के दिन और आज ही प्रॉफिट बुक करना है रेगुलर इनकम के लिए। बहुत जबरदस्त स्ट्रैटेजी जो आपको इस कोर्स में सिखाई जाती है। और आखिर नंबर पे आता है, पांचवें नंबर पे आता है स्विंग ट्रेडिंग कोर्स। मतलब दोस्तों जो लोग जॉब करते हैं, जिनको कम टाइम मिलता है स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, आज कमा के आज ही प्रॉफिट नहीं बनाना, आज इन्वेस्ट करके लेकिन चार दिनों में, पांच दिनों में, एक हफ्ते में आपको प्रॉफिट बनाना है, तो स्विंग ट्रेडिंग उसे कहते हैं। ये आपको सिखाया जाएगा इस कोर्स में। तो पांच अलग अलग कोर्स है दोस्तों जो आपको सिखाए जाएंगे इस पूरे कॉम्बो में, 5-in-1 कॉम्बो में दे रहा हूं दोस्तों। काफी टाइम लगा है इस पूरे कोर्स को बनाने के लिए, मेरे जो ट्रेनर्स हैं उन्होंने इस कोर्स को बनाया हुआ है और बहुत मेहनत लगी है। आप यकीन नहीं मानोगे दोस्तों, 30 वीडियोस का कंटेंट है, 30 वीडियोस का कंटेंट आपको मिल रहा है। प्राइस सुन के आप हैरान हो जाएंगे दोस्तों। मार्केट में अगर आपने चेक किया है, जितने भी ट्रेडर्स हैं, जितने भी यहाँ पे क्लासेस है, वो क्या ये रेट में आपको ये कोर्सेस प्रोवाइड कर रहे हैं? एक स्ट्रैटेजी का यहाँ पे 5-10 हजार चार्ज किया जाता है, 50-50 हजार लिए जाते हैं दोस्तों बड़े बड़े कोर्सेज को सिखाने के लिए। लेकिन पूरे 5 वीडियो का ये कॉम्बो कोर्स आपको मिल रहा है सिर्फ 999 रुपीज में, 999 में आपको ये मिल रहा है। एक्चुअल में आप इसकी कॉस्ट को देख सकते हो, 3999 की इसकी प्राइस नॉर्मली मैंने यहाँ पे रखी हुई है एप्लीकेशन के ऊपर, लेकिन सिर्फ आज फ्राइडे से लेके सैटरडे संडे रात 12 बजे तक मैं 999 में इसके आपके लिए एप्लीकेबल कर दूंगा। बाकी दोस्तों आपके ऊपर है। देखिए संडे के बाद अगर आप वापस आओगे यहाँ पे तो आपको ये 4000 में ही मिलेगा। अभी अगर आप 2 दिन के अंदर इसे बाय करते हो तो आपको ये 999 में अवेलेबल करवा रहा हूं। काफी लोगों की डिमांड थी, रिक्वेस्ट थी, बहुत सारे लोगों ने डेफिनेटली इसे इसी प्राइस पे खरीदा भी है। पहले जब मैंने अलग अलग कोर्स को यहाँ पे दिया था तो अलग अलग लोगों ने यहाँ पे इस प्राइस पे खरीदा है, लेकिन इस ऑफर में मैं आपको दे रहा हूं सर 999 में। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों ने इसका फायदा उठाना चाहिए, यही मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट करता हूं। देखिए दोस्तों, एज अ ट्रेडर आपको लगेगा कि मैं यहाँ पे क्यों चार्ज कर रहा हूं, मैं एक सिंपल चीज बताऊंगा। देखिए मैं ट्रेडिंग करता हूं वो अलग चीज है, लेकिन अगर मैं आपको सिखाता हूं, क्या सभी ट्रेडर्स आपको सिखाने का काम करते हैं? क्या सभी ट्रेडर्स टीम को इन्वॉल्व करते हैं? मेरी जो टीम है वो आपको सिखाएगी, मेरी जो टीम है वो आपको यहां पे बताएगी, तो इसमें रिसोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं। और आपके साइड से अगर मैं छोटी सी एक्सपेक्टेशन रखता हूं तो उसमें क्या गलत है? तो आप लोगों का इतना सपोर्ट तो बनता है कि अगर मैं अपने साइड से ये नॉलेज आपको दे रहा हूं तो आपके साइड से एक नॉमिनल फी अगर आप दे सकते हो तो मेरा भी सपोर्ट बना रहेगा। जो टीम मैं यहां पे बना रहा हूं उसके लिए रिसोर्सेज की मदद होती है, तो डेफिनेटली ये सारी चीजों आप समझते हो, एज अ ट्रेडर एज अ ह्यूमन आप समझते हो, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों। बाकी आपके ऊपर है, मेरे साइड से दोस्तों मैंने इस ऑफर को लॉन्च किया है और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज का फायदा उठाएंगे, डेफिनेटली सीखने पर ध्यान देंगे और सीखा हुआ कभी भी वेस्ट नहीं होता है। मैंने खुद के इसमें भी दोस्तों काफी नॉलेज गेन किया है, आप मानो या ना मानो, जितने लोगों को विश्वास रखना है वो रखो, नहीं रखना है कोई बात नहीं, मुझे उनसे कोई बुरा उनसे लगेगा नहीं दोस्तों, सही में बता रहा हूं, कोई बुरा नहीं लगेगा, बस सीखो। अभी भी दोस्तों अगर आपको कोई डाउट है, सवाल है, कमेंट्स में पूछिए। एक कॉन्टैक्ट नंबर है जो वहां पे पेज पे दिया हुआ है, 7222999466, इस पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कोई भी डाउट है कोर्स को लेके, किसी भी चीज के ऊपर, स्ट्रैटेजी को लेके, उस पे पूछ सकते हो। बाकी दोस्तों जो भी गूगल प्ले स्टोर या एंड्रॉइड यूजर्स है, एंड्रॉइड मोबाइल फोन यूजर्स है, उनके लिए डिस्क्रिप्शन में पहली ही लिंक दी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में देखोगे पहली ही लिंक दी है, वहां पे दोस्तों आपको क्लिक करना है, हमारे ट्रेड स्विंग्स के एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। 10,000 से ज्यादा लोगों ने ऑलरेडी इंस्टॉल किया है, उसे डाउनलोड कीजिए, वहां पे आपको ये कोर्स मिल जाएगा, आपको ये बैनर पहले ही दिख जाएगा, 5-in-1 कोर्स कॉम्बो। और जो भी यहां पे आईफोन यूजर्स है, एप्पल यूजर्स है, उनके लिए बताना चाहूंगा, अभी तक आपके लिए एप्लीकेशन नहीं है लेकिन आप लोग नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हो, जो लिंक आपके लिए अवेलेबल है इस वेबसाइट के लिंक पे जाके आप पेमेंट कर सकते हो। जो भी एप्पल यूजर्स है, आईफोन यूजर्स है, वो इस लिंक पे जाके क्लिक कर सकते हो, आपको ऐप को इंस्टॉल करने की कोई जरूरत नहीं। अब एक चीज बताना चाहूंगा दोस्तों, देखिए वैलिडिटी क्या होगी, अगर आपने ये कोर्स को आज खरीद लिया तो कितने टाइम तक वैलिड रहेगा? ये कोर्सेस वैलिड रहेंगे लाइफ टाइम वैलिड रहेंगे। आप कभी भी जाके देखो, किसी को सिखाना है, अगर आपका कोई दोस्त है, भाई है, उसको सिखाना है, आप आपके मोबाइल पर सिखा सकते हो, और क्या चाहिए, लाइफ टाइम दे रहा हूं एक्सेस इन 30 वीडियोस के कंटेंट का। जब चाहे सीखो, जिसको चाहिए उसको सिखाओ, और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं दे सकता दोस्तों, ये सबसे बेस्ट मेरे साइड से है, लाइफ टाइम वैलिडिटी, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 साल, बिल्कुल नहीं, लाइफ टाइम के लिए वैलिड है। आप जब चाहे तब सीखो,
ऑफर का फायदा उठाओ दोस्तों। बाकी वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, स्ट्रैटेजी की तरफ आगे जाएंगे। स्ट्रैटेजी अगर आपको देखनी है तो स्ट्रैटेजी को आगे देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी आज बता रहा हूं, लेकिन ये अनाउंसमेंट सबसे ज्यादा जरूरी थी इसके लिए आपके साथ शेयर की। तो उम्मीद करता हूं आपको ये ऑफर अच्छी लगी। चलिए दोस्तों अभी हम लोग जाते हैं आज की स्ट्रैटेजी की तरफ, कैसे करनी है, क्या करना है, सारी चीजें बताऊंगा, वेबसाइट पे जाके कहां पे जाना है वो भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना है, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना है, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा ऐसा ही कॉन्टेंट आपको देने के लिए। साथ ही साथ अगर आप इस वीडियो को 2000 लाइक्स का टारगेट पूरा करते हो तो इस स्ट्रैटेजी के ऊपर मैं खुद लाइव ट्रेड करके आपके लिए पोस्ट कर दूंगा, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं किस तरीके से आज की स्ट्रैटेजी वर्क होती है। सबसे पहले देखिए टॉरेंट फार्मा, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। सबसे पहली स्टेप है स्टॉक चुनना कैसे है, दूसरी स्टेप है एंट्री कैसे लेनी है, टारगेट स्टॉप लॉस क्या लगाना है, रिस्क रिवॉर्ड सब कुछ बताऊंगा। तो चलिए स्टॉक कैसे चुनना है, स्टॉक चुनने के लिए आपको जाना है moneycontrol.com पे। देखिए moneycontrol.com वेबसाइट पे जाना है, इस वेबसाइट पे जाने के बाद आपको कहाँ पे क्लिक करना है मैं आपको बोलता हूँ, थोड़ा भी स्किप मत कीजिए दोस्तों, मिस कर जाओगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, बाद में नहीं पता चलेगी फिर कमेंट्स में आके पूछोगे। यहाँ पे देखिए मार्केट्स का आपको दिखेगा ऑप्शन, मार्केट्स पे जाना है, ऑल स्टैट्स पे क्लिक करना है, ऑल स्टैट्स। जैसे ही क्लिक करोगे देखिए इस तरीके से आपको नीचे नीचे जाना है, नीचे जाने के बाद देखिए यहाँ पे, सॉरी फिर से मैं एक बार करता हूँ, नीचे जाने के बाद देखिए यहाँ पे आपको सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन दिखेगा, कौन सा सेक्शन है, इंक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट एंड इंक्रीज इन प्राइस, इंक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट एंड डिक्रीज इन प्राइस। इसका क्या मतलब होता है अगर ये समझ लिया ना तो आप खुद दोस्तों इस स्ट्रैटेजी को करने के लिए एक्साइटेड हो जाओगे। देखिए इंक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट एंड इंक्रीज इन प्राइस मतलब क्या कि ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, प्राइस भी बढ़ रही है। ओपन इंटरेस्ट मतलब फ्यूचर में किसी भी स्टॉक के फ्यूचर में बाइंग हो रही है, बाइंग बना के रख रही है, वो स्टॉक में बाइंग हो रही है और उसका ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है और इसीलिए बाइंग हो रही है, पॉजिटिव बाइंग है, मतलब लोग उस स्टॉक को बाय कर रहे हैं इसलिए उसकी प्राइस भी बढ़ रही है। तो स्टॉक क्या करना चाहिए, नीचे जाना चाहिए कि ऊपर जाना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए, वही तो मैं आपको बता रहा हूं। और इंक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट एंड डिक्रीज इन प्राइस मतलब ओपन इंटरेस्ट तो बढ़ रहा है लेकिन प्राइस गिर रही है, मतलब क्या हो रहा है दोस्तों, आपने खुद पहचान लिया, मतलब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता है प्राइस डिक्रीज हो रही है मतलब स्टॉक गिर रहा है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है मतलब उसमें सेलिंग हो रही है। अब आप खुद सोच के देख लो, आपको ये चीज़ नहीं पता थी, इस वीडियो के देखने के पहले आपको नहीं पता थी, ऐसे ही किसी स्टॉक में जिसमें बाइंग हो रही है आपने दो चार रेड कैंडल देख के अगर आपने सेल कर दिया तो क्या आपको लॉस नहीं होगा, हो जाएगा। अगर आपने गिरते हुए स्टॉक में दो तीन ग्रीन कैंडल पे बाइंग कर ली तो क्या आपको लॉस नहीं होगा, लॉस ही होगा। यही तो लॉस का सबसे बड़ा कारण है जो आप रोक सकते हो, गिरते हुए स्टॉक में सेलिंग करनी चाहिए, बढ़ते हुए स्टॉक में बाइंग करनी चाहिए, आप कब करनी चाहिए उसके ऊपर आते हैं। ये तो आप समझ गए कि स्टॉक कैसे मिलेगा। चलिए आप देखिए वेबसाइट पे आ गया, यहाँ पे क्लिक करूँगा इंक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट, पहले देख लेते ऊपर जाने वाले स्टॉक। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ये पेज ओपन हो जाएगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है इंक्रीज परसेंटेज पे, कि आपको यहाँ पे इंक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट, इंक्रीज इन प्राइस और दोनों में यहाँ पे लिंक खोल देता हूँ। सबसे पहले इसको देख लीजिए कि इंक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट एंड इंक्रीज इन प्राइस, तो यहाँ पे क्लिक करना है, देखिए ये वाला जो इंक्रीज परसेंटेज है उस पर क्लिक करना है तो ये पूरा फिल्टर हो जाएगा, जो भी हाइएस्ट है वो टॉप पर आ जाएंगे। टॉरेंट फार्मा, सन फार्मा, छोला फिन, SBI लाइफ, सन TV, MFSL, PI इंडस्ट्री, सिप्ला, अतुल, ICICI बैंक, जितने भी स्टॉक देख लो इस लिस्ट में सब में गिरावट देखने मिल जाएगी दोस्तों, मैं यकीन से कहता हूँ। यहाँ पे देखिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं टॉरेंट फार्मा से, 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाना है, इंट्राडे की स्ट्रैटेजी आपको करनी है। यहाँ पे देखिए दोस्तों अगर आप टॉरेंट फार्मा में देखोगे तो इसमें सबसे पहले मैं इसको डिलीट करता हूँ, देखिए पहले 5 मिनट की कैंडल बन गई, आपको एंट्री कब बनानी है, दो टेक्निक्स है एंट्री लेने के। सबसे पहली टेक्निक है आप 5 मिनट की कैंडल का हाई ब्रेक पे भी एंट्री बना सकते हो, और दूसरी सबसे बढ़िया टेक्निक मैं बोलता हूँ, बढ़िया टेक्निक जिससे मान लो थोड़ा डीले हो जाएगा एंट्री लेने में लेकिन जब भी एंट्री होगी आपको कड़क प्रॉफिट करके देगी। यहाँ पे देखिए दोस्तों अगर आपको क्या करना है, नीचे का जो लो है, जैसे कि देखिए यहाँ पे मैंने लो मार्क किया तो जहाँ पे मार्केट खुला है वो लो को मार्क करना है, उसके बाद देखिए जो हाई है उसको मार्क करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया। ओके अब क्या करना है, देखिए अब आपको क्या करना है, मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ, कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझेगा तो थोड़ा बहुत आपको कन्फ्यूजन लगेगा, मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखिए कोई भी स्टॉक जब अप ट्रेंड में होता है, ओके
यहाँ पे उस स्टॉक को लोग बाय करते हैं। आपने देखा होगा क्या स्टॉक ऐसे ऊपर ऊपर भागता है, नहीं, वो स्टॉक थोड़ा सा नीचे आता है। कहाँ तक नीचे आता है, यहाँ तक नीचे आता है, नहीं आ सकता यहाँ तक। यहाँ तक क्यों नहीं आ सकता, मैं आपको बताऊँ, जो भी यहाँ पे बाय करके बैठा है, मान लो उसको यहाँ पे 1,00,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। मैं ये एग्जाम्पल के तौर पर बोल रहा हूँ, इसको रियलिटी में नहीं लेना है। 1,00,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया, अब वो प्रॉफिट मार्केट 50,000 पे कर देगा, 50,000 से कम कर देगा, तो आपको क्या लगता है कि ये बंदा बैठा रहेगा? नहीं, ये तो निकल जाएगा, क्योंकि उसका आधा प्रॉफिट चले गया। अब वो निकलेगा, जैसे ही मार्केट इसको निकाल देगा, मार्केट फिर से अपसाइड जाएगा। तो अगर कोई अपट्रेंड वाला स्टॉक है, उसमें एंट्री आपको भागते हुए कैंडल्स में नहीं बनानी है, उसको रिट्रेस करने देना है और यहाँ पे बनानी है। वो 90% अपसाइड जाएगा। क्यों भाई? वही तो स्ट्रेटजी है स्टॉक के बारे में। आपको पता है कि उसमें बाइंग हो रही है, तो बाइंग हो रही है तो आप उसमें बाइंग ही करोगे। इसको कहते हैं बाय ऑन डिप। क्या कहते हैं? बाय ऑन डिप। अगर आपको पता लग गया है कि किसी स्टॉक में तेजी है, तो रुक जाओ, थोड़ा रिट्रेस होने दो, उसके बाद एंट्री बना लो। सस्ता स्टॉक खरीदोगे तो प्रॉफिट बहुत अच्छा होगा। यही चीज़ अगर आप डाउन साइड के स्टॉक में करोगे, स्टॉक नीचे जा रहा है, उसको थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ने दो, 50% के एरिया में आ जाएगा, यहाँ पे सेल करना है, बहुत बढ़िया प्रॉफिट हो जाएगा। चलिए मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ, आप देख के आप खुद के आपके होश उड़ जाएंगे। ये स्ट्रेटजी जितने लोग लॉस करके बैठे हैं, देखिए मैं एक चीज़ फिर से बताना चाहूँगा, एक्साइट करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। इस स्ट्रैटेजी को देख के अगर आपको एक्साइटमेंट हो रही है तो अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप तुरंत भाग के मंडे को सीधा हैवी क्वांटिटी में पोजीशंस बनाने लग जाओगे, ऐसा बिल्कुल मत करना। फिर लॉस हो जाए तो मुझे आके गाली मत देना, क्योंकि मैं एक एजुकेशन पर्पस से कोई स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ। इसमें लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, मैक्सिमम टाइम्स प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे संभाल के ट्रेडिंग करनी है, क्योंकि स्टॉक मार्केट रिस्की होता है। अगर आपने कहीं से पैसे उठा के ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको संभाल के ट्रेडिंग करनी है, वो बिल्कुल नहीं लेने हैं पैसे किसी से। जितना आप हैंडल कर सकते हो उतना ही लॉस करो, स्टार्टिंग में पेपर ट्रेडिंग करो, प्रैक्टिस करो, अगर परफेक्ट लग रहा है उसके बाद आप वर्चुअल ट्रेडिंग रियल ट्रेडिंग कर सकते हो, वो भी कम क्वांटिटी के साथ। तो देखिए यहाँ पे मैंने हाई लो मार्क किया, हाई मार्क किया टोरेंट फार्मा में, मुझे इसमें बुलिश ट्रेड बनानी है, इसको बाय करना है। यहाँ पे FIB रिट्रेसमेंट का टूल आ जाता है, देखिए FIB रिट्रेसमेंट, लो पॉइंट से लेके हाई पॉइंट तक FIB लगाना है। देखिए आपके पास 0.5 0.618 की लेवल आ चुकी है, देखिए ये दोनों लेवल आपके पास आ चुके हैं। अब जैसे ही मार्केट या कोई स्टॉक इस लेवल में आ जाएगा, इस जोन में आ जाएगा, आपको एक अच्छी ग्रीन कैंडल देख के बाइंग कर देनी है, ये आपका एंट्री पॉइंट है। नहीं मिल रहा है तो मत लो, मिल रहा है तभी ले लो। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली, अगर आपने यहाँ पे एंट्री बनाई होती थी इस स्ट्रैटेजी को देख के, तो आपको कितना प्रॉफिट बनता था, 4% का प्रॉफिट। देखिए लॉन्ग पोजीशन इस एरिया में आने के बाद अच्छी ग्रीन कैंडल्स पे एंट्री बनाओ, छोटा सा स्टॉप लॉस, जैसे कि मैं 1% का स्टॉप लॉस अगर देता हूँ, और टारगेट देखिए, अगर आपको हाईएस्ट टारगेट, अगर आप ट्रेलिंग करने में होशियार हो तो देखिए यहाँ तक आपको 4% मिले हैं। अगर मैंने 1,00,000 रुपये के स्टॉक्स को क्वांटिटी को बाय किया होता था तो मुझे 4,000 का प्रॉफिट आज बनता था इस स्टॉक में। आप खुद देख सकते हो एंट्री मैंने किस तरीके से आपको बताई है। दोस्तों सारी चीज़ें मैं बहुत ही डिटेल में बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें किसी भी क्लास में, अगर आप कोई कोर्स ज्वाइन करते हो, क्लास ज्वाइन करते हो, तो भी आपको बहुत कम ट्रेनर्स बताएंगे। ये सारी सीक्रेट मैं बिंदास आपको शेयर कर रहा हूँ, इसका एक ही मुझे रिप्लाई आपसे चाहिए, एक ही मदद आपसे चाहिए, आप कॉमेंट्स में आके अपना फीडबैक दे दो कि आपको ये कैसे लगा। इतना काम तो आप कर सकते हो, काम उतना करो कि मुझे खुशी मिले। तो आप मुझे रिप्लाई करो कि आपको ये स्ट्रेटजी कैसे लग रही है, पसंद है नहीं है, क्या इस पे आपने ट्रेड्स लिए हैं नहीं लिए हैं, जो भी चीज़ें हैं। और लाइक करना मत भूलिए, यहाँ पे देखिए सब्सक्राइब भी आप करोगे, ऐसे मेरे उम्मीद है कि आप सब्सक्राइब करोगे, क्योंकि मुझे एंड ऑफ द डे मोटिवेशन की ज़रूरत होती है कॉन्टेंट अगर मैं बनाता हूँ। अगर देखिए यहाँ पे इस स्टॉक का हो गया, दूसरा स्टॉक कौन सा था, सन फार्मा का था, देखिए सन फार्मा, चलिए सन फार्मा के स्टॉक में जाते हैं। अब देखिए सन फार्मा के स्टॉक में अगर आप देखोगे क्या चीज़ देखने मिली है, अप ट्रेंड का स्टॉक है, ओके। यहाँ पे जाना है, FIB रिट्रेसमेंट लेना है। पहले तो देखिए लाइन मार्क करो, ये लो है, ओके, ये कहाँ पे गया इसका, ये हाई मार्क किया। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक स्टॉक ने हाई बनाया हुआ है, तो मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे जाऊँगा, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको लगाऊँगा। ये देखिए ये जोन आ गया, यहाँ पे आपको रेक्टेंगल का ऑप्शन मिलता है, इससे देखिए आपकी जो ट्रेडिंग है बहुत ही स्मूथ हो जाएगी।
यहाँ पे देखिए, इसी जोन में आने के बाद, ये आपके सामने मैंने जोन को मार्क किया, क्या मैंने इस कैंडल को देख के जोन मार्क किया? बिल्कुल भी नहीं। मुझे चाहिए लो और हाई, बस। इस जोन में आने के बाद एक ग्रीन कैंडल बनी, आपको बस इस ग्रीन कैंडल के हाई ब्रेक होते ही एंट्री बनानी है, या ग्रीन कैंडल बनते ही एंट्री बनाओ बिंदास। और 1% का, देखिए मैं यहाँ पे 1% का रिस्क लेके चलता हूँ, और आप देख सकते हो यहाँ पे रिवॉर्ड मुझे कितना मिला है, 1:1.8 का रिवॉर्ड मिला है, बहुत ही बढ़िया। मैं मानता हूँ चलिए आप हाई तक भी लेते हो ट्रेड को, और SL जो है थोड़ा सा छोटा रखो यहाँ पे, जो FIB, क्योंकि देखिए अगर ये ऊपर जाना है तो इसी जोन से ऊपर जाएगा, अगर इसको नीचे आना है तो ये यहाँ से ही नीचे आएगा, तो आप यहाँ कहीं पे भी SL लगा सकते हो। छोटा लॉस होगा तो और बढ़िया, क्योंकि आपको टारगेट बड़ा रखना है, लॉस छोटा रखना है। समझ में आ गया। दो स्टॉक्स आपको दिखाए, तीसरा स्टॉक कौन सा है लिस्ट में, छोला फिनसर्व का स्टॉक है, तो देखिए छोला फिनसर्व। अब देखिए इसमें आपको किस तरीके से मोमेंटम मिला है, देखिए ये स्टॉक स्टार्टिंग में भाग रहा था, अभी देखिए आपको हाई लो कौन सा है, तो देखिए ये लो है और मुझे हाई सीधा यहाँ पे मिला है, तो मैंने ये मार्क कर दिया। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, आपको यहाँ कहीं पे ग्रीन कैंडल देख के एंट्री बनानी है, 1.4% पे जाके स्टॉक ने यहाँ पे देखिए आपकी एंट्री बन रही, तो आपको लॉस तो नहीं किया है लेकिन कॉस्ट टू कॉस्ट आपको बाहर निकाल दिया होगा, तो ये स्टॉक में भी आपको मिला है। SBI लाइफ की बात करते हैं, तो देखिए SBI लाइफ में रिट्रेसमेंट कहाँ तक हुई है, तो देखिए इसने ये लो बनाया, और अगर हाई की बात करूँ तो यहाँ पे हाई बनाया था। तो देखिए ये भी एक लॉजिक आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि सभी स्टॉक 50% तक रिट्रेस करेंगे फिर ऊपर जाएंगे, ऐसा नहीं होता। तो आपको ये भी देखते हैं प्राइस एक्शन क्या है, अगर आपको इस स्टॉक में, बुलिश स्टॉक में इस तरीके का कोई पैटर्न ब्रेकआउट दिख रहा है कि मार्केट बार बार इस लेवल को टेस्ट कर रहा है, तो ब्रेकआउट के बाद आप एक कैंडल का हाई मार्क करके एंट्री बना सकते हो, क्योंकि ये सक्सेसफुल हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि इस स्टॉक में ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, मतलब लोग बाइंग कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे कोई बुलिश प्राइस एक्शन अगर मिलता है इस तरीके का, ये आपको, ये थोड़ा रिस्की हो सकता है, ब्रेकआउट देके फेल हो जाएगा, लेकिन चांसेस बहुत कम है। क्यों फेल होगा? ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, स्टॉक को चूज करने का बेसिस। हाँ, अगर आप रैंडमली कोई भी स्टॉक उठा लेते हो कहीं से भी, तो उसमें फेलियर आ सकता है, इस पे आने के चांसेस कम है, क्योंकि आप खुद देखो जितने मैंने स्टॉक्स आपको दिखाए सारे उस लिस्ट में लाइन से मैंने दिखाया, कोई स्टॉक को छोड़ा मैंने बिल्कुल नहीं छोड़ा। आप देख सकते हो प्रॉफिट बुकिंग करना भी ज़रूरी है, अगर आपको यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा है तो आपको उसको बुक करना भी ज़रूरी है, तो यहाँ पे देखिए बाद में प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकता है। तो स्टॉक ने यहाँ पे होल्ड किया, उसके बाद देखिए कौन सा स्टॉक आपको दिख रहा है, सन टीवी। चलिए सन टीवी को देखते हैं, यहाँ पे देखिए सन टीवी का स्टॉक अगर आप देखोगे तो इसमें भी लास्ट में प्रॉफिट बुकिंग की कैंडल बनी है, बट शुरुआत में देखिए आप किस तरीके से एंट्री बना सकते हो। यहाँ पे देखिए अगर फिबोनाची के हिसाब से एंट्री बनानी है, तो आप देखिए यहाँ पे जो हाई लो बनाया हुआ है, तो इसने ये लो बनाया, यहाँ से लेके यहाँ तक पहला हाई बनाया। अब देखिए अगर आप देखोगे, क्लियरली देखोगे, तो इसने भी यहाँ तक रिट्रेसमेंट नहीं की। ऐसे केस में आपको स्टॉक को छोड़ना नहीं है, मैंने दो एंट्री मेथड्स आपको बोले हैं, अगर इस तरीके से मिलते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी मिलते हैं आप ये भी ट्राई करके देखो, ये सारी चीज़ें आप ट्राई करके देख सकते हो, कोई नुकसान आपको वैसे होगा नहीं। अगर आप पेपर ट्रेडिंग प्रैक्टिस करते हो, एक क्वांटिटी दो क्वांटिटी से करते हो, तो इतना हैवी लॉस भी आपको नहीं होगा। अगर आप देखोगे, आप मार्क करो, कोई तो हाई पहले बना दे तो स्टॉक को, जैसे कि देखिए यहाँ पे हाई बनाया और फिर हाई ब्रेकआउट करके ऊपर जा रहा है, वहाँ पे एंट्री बना सकते हो। अगर आपने यहाँ पे भी एंट्री बनाई होती तो भी आपको अच्छे परसेंटेज मिले, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक करीब करीब 0.76 मिले, ठीक है, कम या ज़्यादा ये तो देखिए डिपेंड करता है। आप ये देख लीजिए कि इस प्राइस से शुरू हुआ था और यहाँ तक इसने हाई बनाया, ये रेंज को देखो आप, तो इस तरीके से ये स्टॉक में भी अच्छा वर्क हुआ है, राइट, मोमेंटम बहुत अच्छी आई है। आप देखिए नीचे के भी स्टॉक देखा, तो MFSL, PI इंडस्ट्रीज, सिप्ला, अतुल, देखिए अतुल के स्टॉक में देखते हैं, अतुल देखिए, अतुल का स्टॉक देखिए किस तरीके से वर्क हुआ है, राइट, हुआ है कि नहीं वर्क हुआ है, बहुत ज़्यादा तेज़ी इसमें बनी है, तो आप इसमें कोई ना कोई हाई मार्क कर सकते हो, जैसे कि देखिए यहाँ तक तो आप एंट्री नहीं बनाओगे क्योंकि बहुत ही तेज़ी की मोमेंटम बनी है, लेकिन यहाँ पे स्टॉक होल्ड कर रहा है। अब ये गिरेगा चांसेस कम है क्योंकि इसमें ओपन इंटरेस्ट अच्छा बना हुआ है, तो आपको क्या करना है, इसमें लाइन मार्क करके लेनी है, जैसे ही हाई ब्रेक होता है यहाँ पे एंट्री बना दो, आप देखिए 2-2.5% की मोमेंटम आपको मिल सकती थी। उसके बाद कौन सा था, MFSL, राइट, MFSL था, यस, MFSL, यहाँ पे देखिए MFSL को अगर आप देखोगे तो इसमें भी बहुत अच्छी मोमेंटम आई है, देखिए अगर आप यहाँ पे रिट्रेसमेंट का वेट करोगे, हाई मार्क करोगे, जैसे ही हाई यहाँ पे ब्रेक होता है यहाँ पे एंट्री बना लो,
देखिए आपको थोड़ा वेट करना है प्रॉपर एसएल के साथ, आपको यहाँ पे 1.2% का मोमेंटम मिला है। देखिए जितने भी स्टॉक्स आपको दिख रहा हूँ यहाँ पे लोग एंट्री लेना मुश्किल होता है कि कहाँ पे एंट्री बनाए, लेकिन जो स्टॉक्स मैं आपको दिखा रहा हूँ सब स्टॉक्स में आपको अच्छा, देखिए MFSL हो गया, PI इंडस्ट्रीज और सिप्ला, देखते हैं PI इंडस्ट्रीज ये नीचे डाला हुआ है मैंने, एक सेकेंड ये देखिए PI इंडस्ट्रीज और सिप्ला राइट, ये देखिए PI इंडस्ट्रीज का स्टॉक देखेंगे तो देखिए यहाँ पे कमाल का अपसाइड का मोमेंटम है। तो देखिए यहाँ पे तो आप वैसे भी अगर आप बनाना चाहते हो तो रिस्क ले सकते हो, ऐसा नहीं कि आप नहीं ले सकते। कैंडल के लो को आप SL लगा दो, यहाँ पे हाई ब्रेक होने पे एंट्री बनाओ, तो 5 मिनट की कैंडल की बात कर रहा हूँ मैं, और आप यहाँ पे SL लगा दो और इन्जॉय करो जो प्रॉफिट है वो, क्योंकि मैक्सिमम टाइम अपसाइड जाएगा। लेकिन मैं थोड़ा सेफ एंट्री पे बिलीव करता हूँ क्योंकि ऐसी एंट्री तो ऑलमोस्ट सब लोग लेते होंगे, इसलिए मैं थोड़ी अलग एंट्री आपको लेने के लिए बोलता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखोगे स्टॉक ने जो रुकावट की है वो यहाँ पे की है, देखिए यहाँ पे स्टॉक रुका है, तो आप अगर यहाँ पे एंट्री बनाओगे हाई ब्रेक पे तो आपको यहाँ पे भले ही थोड़े कम मिले 1.39% मिले हैं, लेकिन जो भी है आपको कन्फर्मेशन तो है कि मार्केट 1% वहाँ से ऊपर गया, ये चीज़ को समझो। सिप्ला को देखो, देखिए कमाल का मिला है, अभी जो FIB की रिट्रेसमेंट मिलती है वो तो सोने पे सुहागा हो गया है, जिसको हम लोग कहते हैं सोने पे सुहागा, जैसे कि देखिए यहाँ से मार्केट शुरू हुआ था और इस लेवल पे देखिए अभी आपने आपको क्या करना है, ये जहाँ पे रुका है ना, देखिए यहाँ पे रुका है, आप यहाँ पे एंट्री बना सकते हो हाई ब्रेक पे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस बना रहा है, तो आप इस लेवल पे जब भी अपने लोस को ब्रेक करके अपसाइड जा रहा है, आप इस कैंडल पे भी निकल सकते थे, क्योंकि इसमें आपको एक चीज़ पता है कि मार्केट अपसाइड जा सकता है, 3% का मोमेंटम दिया है भाई, कोई मजाक नहीं चल रहा है दोस्तों, देखिए कोई नहीं बताएगा, भले ही आपको देखने में आसान लग रहा है लेकिन ये चीज़ दिखाने के लिए भी कोई शेयर नहीं करेगा आपके साथ जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। और एक चीज़ देखिए वीडियो में आगे जाने से पहले और एक चीज़ शेयर भी करना चाहूँगा, यहाँ पे देखिए हम लोगों भी ट्रेडिंग करते हैं दोस्तों, अभी हमारे एक मेंबर है जो एक स्टॉक्स की स्ट्रेटजी करते हैं उस पर रेगुलरली अच्छा प्रॉफिट्स बना रहे हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे रेगुलरली प्रॉफिट्स बने हैं, जैन मंथ में प्रॉफिट, फेब मंथ में प्रॉफिट, मार्च में, अप्रैल में, मई में, जून में, जुलाई में, जुलाई मंथ अभी तक ख़त्म भी नहीं हुआ है, 26 जुलाई चल रहा है और 37,000 का ये जो प्रॉफिट ऊपर आप देख रहे हो ये सिर्फ और सिर्फ जुलाई मंथ का है, और यकीन नहीं आता मैं देखिए आपको डिटेल में दिखाता हूँ, ये सिर्फ स्टॉक्स में ट्रेड करके बना है। देखिए स्टॉक्स में, सब स्टॉक्स में आपको ऑप्शंस दिखेंगे ही नहीं, ऑप्शंस अगर आप, बहुत से लोग ऑप्शंस में लॉसेस बनाते हैं, देखिए ऑप्शंस में प्रॉफिट बनता है, ऐसा नहीं अभी मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग करके स्टॉक यहाँ पे एसएल हंटिंग से प्रॉफिट करता हूँ, लेकिन इसके लिए हाई लेवल की एक्यूरेसी होनी चाहिए जो कि आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आ जाएगी, लेकिन स्टॉक्स में थोड़ी बहुत अगर आपकी एक्यूरेसी कम भी होती है तो भी चल जाता है, बस आपको होल्डिंग पावर होनी चाहिए, जो टारगेट रखा है, जो स्टॉप लॉस रखा है उसको होल्ड करने की क्षमता होनी चाहिए, तभी आप भी ये कर सकते हो। ये जो प्रॉफिट बना है ये बना है हमारी स्टॉक्स की स्ट्रैटेजी BB स्ट्रैटेजी से। अगर आपको इस स्ट्रैटेजी में इंटरेस्ट है, ये स्ट्रैटेजी अगर आपको करनी है तो आपको इस WhatsApp नंबर पे बस मैसेज डालना, जो WhatsApp नंबर स्क्रीन पे अभी देख रहे हो वहाँ पे मैसेज डालो BB स्ट्रैटेजी करके, BB स्ट्रैटेजी करके मैसेज डालो, स्क्रीन के ऊपर देखेगा हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी और बताएगी कि आपको ये स्ट्रैटेजी हम लोग कैसे सिखा सकते हैं, ये पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी डिटेल में अगर आपको सीखनी है तो आप उस पर मैसेज डालो, मेरी टीम आपको कॉन्टैक्ट कर लेगी। यहाँ पे देखिए आगे बढ़ते हैं किस तरीके से दोस्तों आज की स्ट्रैटेजी वर्क होती है। ओके अब देखिए सिप्ला में हो गया, अब ये हो गया अपसाइड के स्टॉक्स का, अब बात करते हैं डाउन साइड के स्टॉक्स की राइट, डाउन साइड। तो देखिए डाउन साइड के लिए हमें इस पेज पे आना है ओके, और इसमें भी आपको वही चीज़ करनी है, इंक्रीज परसेंटेज पे पहले क्लिक करना है, तो जो भी ज़्यादा गिरावट वाले स्टॉक्स होंगे वो ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए अगर आप देखोगे तो मैंने क्लिक किया है, अब देखिए यहाँ पे हाईएस्ट वाला है MCX, नवीन फ्लोरीन, क्रॉम्पटन, IOC, दीपक नाइट्रेट, गोदरेज CP, ONGC, ऐसे स्टॉक्स हैं। तो एक एक करके शुरू करते हैं MCX, नवीन फ्लोरीन। देखिए MCX लाइन से देखते हैं, MCX में अगर आप देखोगे, देखिए आपको इसमें क्या करना है, एक चीज़ ध्यान में रखो, एंट्री क्यों इंपॉर्टेंट है। अब देखिए स्टॉक खुल गया, पहली कैंडल के बाद आपने पुट ले लिया या सॉरी आपने इसको सेल कर दिया, ये ऊपर गया, आपका लॉस हिट किया, क्या फ़ायदा हुआ स्टॉक में गिरावट। तो आपको क्या करना है, इसीलिए कहा कि थोड़ा एक्सपीरियंस मैटर करता है, नॉलेज मैं दे रहा हूँ इसीलिए दे रहा हूँ, आपको देखना है अगर ये स्टॉक अपसाइड जा रहा है आपको बाइंग नहीं करनी, ग्रीन कैंडल जितनी चाहे दिखे बाइंग करनी नहीं है, क्योंकि इसमें ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है और प्राइस डिक्रीज हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं स्टॉक को लोग बेच रहे, इसका फ्यूचर बेच रहे, तो आपको जैसे ही एक अच्छी रेड कैंडल या यहाँ पे लो ब्रेकआउट दिखता है तो वहाँ पे आपको इसको शॉर्ट सेल करना है। अब देखिए जैसे कि मैं अगर होता हूँ तो मैंने देखा कि इसमें यहाँ पे गिरावट आ गई, फिर अपसाइड गया,
फिर यहाँ पे मैंने लो को मार्क किया और जैसे ही ये लो ब्रेक हुआ मैंने यहाँ पे एंट्री ली होती थी एज पर प्राइस एक्शन। और यही चीज़ प्राइस एक्शन में हम लोग सिखाते हैं, जो ऑप्शन ट्रेडिंग का कोर्स के बारे में मैंने आपको बताया, आज जो सरप्राइज़ है उस सरप्राइज़ में हम लोग यही पैटर्न्स, ये जो पैटर्न होते हैं ना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो प्राइस एक्शन, कैंडल स्टिक्स पैटर्न, ये सारी चीज़ें ऑप्शन ट्रेडिंग और जो हमारा प्राइस एक्शन का कोर्स है उसमें ये सिखाई जाती है। आप क्लियरली देख सकते हो, देखिए यहाँ पे लो को मार्क करना है क्योंकि यहाँ पे स्टॉक ने होल्ड किया, राइट, और जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट दे रहा है आप यहाँ पे एंट्री बनाओ, शॉर्ट सेल करो। देखिए जो पहले एक रेजिस्टेंस था, अब जो पहले एक सपोर्ट था, यहीं से मार्केट सपोर्ट ले रहा था स्टॉक, और बाद में वही एक रेजिस्टेंस हो गया, राइट। जो पहले सपोर्ट था वही बाद में रेजिस्टेंस हो गया, ये चीज़ सीखनी ज़रूरी है, तभी आ जाएगी। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार थोड़ी इन्वेस्टमेंट अपने आप पे करो, डेफिनेटली मार्केट से पैसा बनेगा, लेकिन करना चाहिए इन्वेस्टमेंट, ओके। यहाँ पे मैं किसी भी चीज़ की गारंटी नहीं देता हूँ दोस्तों, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको सीखने पे ध्यान देना है, इतना सीखोगे उतना ही नॉलेज आपको प्रॉफिटेबल करेगा। देखिए नवीन फ्लोरिन का स्टॉक है, नवीन फ्लोरिन में जाते हैं, यहाँ पे देखिए, अब देखिए नवीन फ्लोरिन में अगर आप देखोगे तो पहले स्टॉक ऊपर भागा है उसके बाद में नीचे की तरफ आया, लेकिन हमें तो यहाँ पे अपसाइड में जाना नहीं है। तो अगर भले यहाँ पे अपसाइड जा रहा है, मैं वेट करूँगा किसी लोअर पैटर्न के ब्रेकआउट का, जैसे कि देखिए यहाँ पे लो बनाया हुआ है, अभी देखिए मार्केट और ऊपर गया, फिर यहाँ पे एक लो बनाया हुआ है, देखिए इसका वेट करूँगा। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही कोई लो का ब्रेकआउट मिल जाता है एंट्री बना देंगे, ऊपर छोटा सा स्टॉप लॉस, आप देखिए यहाँ पे हमें 0.77% का मोमेंटम मिला है, तो इसमें आपको पुट साइड में ही जाना है। क्रॉम्पटन का स्टॉक है, देखिए क्रॉम्पटन में, इसमें देखिए आपको जैसे कि फास्ट गिरावट देखने मिली है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले लो को मार्क करके लेना। अभी देखिए गिरावट अच्छी है, आप यहाँ पे FIB टूल लगा सकते हो, अच्छी गिरावट या अच्छे बाइंग में FIB लगा सकते हो। देखिए यहाँ तक मैंने लगाया, जैसे ही अच्छी रिट्रेसमेंट फास्ट हो गई, अगर ये यहीं से ब्रेकआउट होता तो हम लोग नीचे एंट्री बनाते थे, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे आपको रेक्टेंगुलर टूल मार्क करना है। जैसे ही इस जोन में फिर से आता है, अच्छे रेड कैंडल्स बनाना शुरू करता है, पहली रेड कैंडल पे ही यहाँ पे सेल कर दो। यहाँ से यहाँ तक देखिए आपको 1.4% का टारगेट मिला है, बहुत ही क्रूशल। IOC का स्टॉक है, देख सकते हो IOC, देखिए यहाँ पे भी आपको देखिएगा स्टॉक में गिरावट देखने मिली है, आपको सेल ऑन द राइज करना है। ये स्टॉक यहाँ से शुरू हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक FIB मैंने लगा दिया, देख सकते हो बराबर 0.56 की लेवल से ही आया नीचे, रिट्रेसमेंट किया, फिर से नीचे गया। इस रेड कैंडल पे आपको शॉर्ट सेल करना है, यहाँ तक का टारगेट मिलता है, तो ऑलमोस्ट अपनी 90% क्वांटिटी को बुक कर लो, छोटे मोटे क्वांटिटी के साथ रिस्क ले सकते हो। दीपक फर्टिलाइज़र, कमाल की गिरावट देखने मिली है, कमाल की गिरावट। देखिए अगर ऊपर जा रहा है इसको जाने दो, बाइंग में तो हमें इंटरेस्ट है नहीं, ट्रैपिंग कर रहा है, इसमें लो को मार्क करो, यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ पे देखिए सपोर्ट को ब्रेक किया, सपोर्ट लेके यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जैसे ही ब्रेकडाउन हो गया एंट्री बना लो। आप देखिए यहाँ से यहाँ तक करीब करीब आपको 2-3% का मोमेंटम तो दिया ही होता था, देखिए 2% भाई और क्या चाहिए, एंट्री मिल रही है तगड़ी और आपको क्या चाहिए, 2% का मोमेंटम आपको कैप्चर करने मिल सकता था दीपक नाइट्राइट में, ओके। रैंडमली आप बोलोगे इसमें लगा के रखे स्टॉक्स, तो रैंडमली देता हूँ, गोदरेज CP का देखते हैं, गोदरेज कंज्यूमर प्रॉपर्टीज़ ONGC, इनको भी ऐड करता हूँ मैं। गोदरेज ज़्यादा दिखाते बैठूंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, टाइम ज़्यादा लग जाएगा, आप ही बोलोगे कि क्यों इतना बना रहे हो, इसीलिए मैं जितना कम हो सके उतना आपको शेयर कर रहा हूँ स्टॉक्स में। देखिए यहाँ पे आप लो को मार्क कर सकते हो, ओके, ये देखिए ये लो है, या FIB लगाना है तो FIB को हाई से लेके यहाँ तक, देखिए मार्केट ने यहाँ तक मोमेंटम नहीं की है, तो डेफिनेटली आप थोड़ा बहुत अगर एंट्री बनाते हो लो ब्रेकआउट होने पे, तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक आपको 0.51% से मिले होते थे, राइट। उसके बाद कौन सा था, गोदरेज कंज्यूमर प्रॉपर्टीज़ तो हो गया, उसके बाद ONGC था, राइट, ONGC, ये देखिए ONGC का स्टॉक है, इसमें भी देख लेते हैं, ONGC में देखिए क्या गिरावट इसमें देखने मिल रही है, बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पे हाई से लेके लो तक FIB लगा दिया, ये आ गया जोन आपका 0.5 का, जैसे ही यहाँ पे रेड कैंडल मिली पुट खरीद लिया, सॉरी इसमें सेल कर दिया, ओके 1% का टारगेट मिल चुका है।
कुछ लोग बोलेंगे सर हम लोग क्या ऑप्शंस में भी कर सकते हैं, इसमें पुट खरीदे या उसमें कॉल खरीदे। देखिए खरीदने को खरीद सकते हो लेकिन आपसे वॉलेटिलिटी हैंडल नहीं होगी स्टॉक्स में ऑप्शंस में। तो आप सबसे पहले स्टॉक्स में ही ट्रेडिंग करो, देखो कि क्या प्रैक्टिस करके इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, एक महीना दो महीना इसके ऊपर कंसिस्टेंटली डेडिकेटेडली काम करो, उसके बाद आप उसका रिजल्ट नोट डाउन करो और फिर यहाँ पे डिसाइड करो कि क्या करना है। बाकी देखिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, डेफिनेटली आपको अगर कोई डाउट्स है कोई सवाल है तो आप कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हो, मैं वहाँ पे जवाब देने की कोशिश करूँगा। वेबसाइट कौन सी है आपने देख लिया, मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे जाना कैसे है वो भी आपको मैंने बता दिया, दोबारा से पीछे करके देख सकते हो। बाकी इस स्ट्रैटेजी को 2000 लाइक्स आपसे आने चाहिए, अगर आप 2000 लाइक्स करते हो इस वीडियो को मैं खुद इसके ऊपर लाइव ट्रेड मंडे के दिन, मैं प्रॉमिस करता हूँ मंडे के दिन इसके ऊपर लाइव ट्रेड आ जाएगी। लेकिन 2000 लाइक्स आपके पास, सैटरडे भी है, फ्राइडे का अभी रात है, सैटरडे है, संडे है, इस वीडियो को देखो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, स्ट्रैटेजी के लिए कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, डेफिनेटली स्ट्रैटेजी वैसी ही चलेगी जैसी वो चल रही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा होना चाहिए, बाकी कोई इंटेंशन है नहीं। और मिलेंगे अगले वीडियो में इसी तरीके के नॉलेजेबल कॉन्टेंट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच और जय हिंद।